आज हम अपने चैप्टर नंबर टू का सेकंड टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप रिकॉल करें इसको, तो आपने मैट्रिक्स में इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ी हुई है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। कि जब भी क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, मतलब क्रिस्टल्स के बनने का जो अमल है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्रिस्टल इटसेल्फ क्या चीज है, व्हाट इज अ क्रिस्टल, ये क्वेश्चन पैदा होता है। अब हमारे पास जो मेटल है, दैट इज यूज्ड इन थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब हम सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड जो है दैट कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, ये भी आप लोग अपने मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, एमोर्फस फॉर्म एंड क्रिस्टलाइन। दोनों में सिर्फ एक फर्क है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो वाले सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई पैटर्न, इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर या अरेंजमेंट एग्जिस्ट करती है। इसका क्या मतलब है उसको भी हम देखते हैं। इनके अंदर हर वो सॉलिड क्रिस्टल होगा जिसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना कोई पैटर्न या अरेंजमेंट मौजूद होगी, जबकि इनके अंदर अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर नो पैटर्न इज अवेलेबल, उनके अंदर पैटर्न जो है वो मौजूद नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ क्यूब लाइक शेप, ओके दिस इज अ क्यूब, ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है। इसी तरह और शेप्स भी होती है लाइक दिस, या फिर हेक्सागोन, टेट्रागोन, इस तरह की शेप्स होती हैं, वो एग्जिस्ट करती है। अगर एक सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर जो भी उसकी शेप है, उसके मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, वो शेप सारी की सारी डायमेंशंस के अंदर, थ्री डायमेंशंस के अंदर एग्जिस्ट करे और वही स्ट्रक्चर फैलता जाए, ग्रो करता जाए, तो जो चीज बनेगी दैट विल बी अ क्रिस्टल, वो क्या होता है, क्रिस्टल होता है। तो क्रिस्टल की बेसिक डेफिनेशन में ये याद रखें कि वो वाले सॉलिड्स जिनके अंदर कोई ना कोई पैटर्न या अरेंजमेंट मौजूद हो, या उनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो थ्री डायमेंशन के अंदर जब ग्रो कर जाए, तो एक लार्जर स्केल पे जो चीज बनती है वो क्या होती है, क्रिस्टल। और इस फॉर्मेशन को, क्रिस्टल बनने के अमल को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ये तो था जनरल सा ओवरव्यू कि क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है, लेकिन अब हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना कि क्रिस्टल बनता कैसे है या क्या होता है। हमारी जो इस चैप्टर के अंदर क्रिस्टल बनने की या क्रिस्टलाइजेशन को जो हम स्टडी कर रहे हैं, वो एज अ सेपरेशन टेक्निक है, उसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इसको हम दो चीजों को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको आप इस तरीके से समझें, लास्ट टाइम हमने फिल्ट्रेशन स्टडी की थी। फिल्ट्रेशन किस लिए होती है कि जब एक चीज जो कि किसी लिक्विड के अंदर है और उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही है। फिल्ट्रेशन वाज फॉर इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती थी, इम्प्योर इनसोल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड में से सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन करते थे। क्रिस्टलाइजेशन हम कब करेंगे, व्हेन सॉलिड इज सोल्यूबल इन अ लिक्विड। जब भी किसी लिक्विड के अंदर आपका जो सॉलिड है वो डिजोल्व होता है, डिजोल्व हो सके, तो उस कंडीशन में, उस केस में हम फिल्ट्रेशन नहीं, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है, इसके अंदर दो चीजें मौजूद हैं कि बाहर से जो आई हैं, वन इज सैंड, सेकंड वन इज सॉल्ट। आपके पानी के अंदर रेत और सॉल्ट जो है वो मौजूद है। सैंड तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी बिकॉज ये पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है, लेकिन नमक क्या होगा, नमक आपको नजर नहीं आएगा, नमक विल बी डिसॉल्व्ड। सैंड इज इनसोल्यूबल इन वॉटर,
एंड सॉल्ट इज सोल्यूबल, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम सॉल्ट को लहदा कर लें, हमें सॉल्ट जो हमारा कीमती था जो गलती से पानी में चला गया, हमें उसको सेपरेट करना है। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सैंड को रिमूव करेंगे। सैंड इनसॉल्युबल थी, सैंड को रिमूव करने के लिए हम फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन की सारी डिटेल हम पिछले लेक्चर में करके हैं, मैं उसी तरीके से हम पानी को फिल्टर पेपर में से या किसी क्रूसिबल में से गुजार के सैंड को वाटर में से सेपरेट कर लेंगे। अब जो चीज हमारे पास बचेगी फिल्ट्रेशन करने के बाद, वो हमारे कंटेनर में वाटर होगा, और उस वाटर के अंदर क्या है, वो वाला सॉल्ट है जो कि डिसॉल्व हो गया है, सैंड हमने सेपरेट कर लिए। इस प्रोसेस में से इसको अब क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में से गुजारेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, और जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बच जाएगा, सॉल्ट। वो सॉल्ट जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया था, वो सॉल्ट हम रिकवर कर लेंगे किस प्रोसेस के नतीजे में, क्रिस्टलाइजेशन के नतीजे में। हम करेंगे इसको कैसे, हम वाटर को उड़ा देंगे किसी भी तरीके से, रिमूव करेंगे वाटर को, और पीछे जो हमारा सॉल्ट पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ था, अब जब पानी नहीं रहेगा तो वो सॉल्ट क्रिस्टलाइज हो जाएगा और क्रिस्टल की शक्ल में आ जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। अब यहां पर हमने क्या किया, बेसिकली हमने सॉल्ट में से, हमने वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट किया। अब नॉर्मली इसकी एप्लीकेशन जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, हमारे पास जब सॉल्ट जमीन से निकलता है तो दैट सॉल्ट इज नॉट दैट मच प्योर, वो प्योर नहीं होता बल्कि वो इम्प्योर होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, उसके अंदर सैंड होती है, सैंड और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। तो वही बात हो गई सैंड और डस्ट के पार्टिकल्स में से, अब आप एक एक जरे को तो अलग नहीं कर सकते सैंड के, तो फिर हम इस तरीके से जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़ी उससे हम क्या करते हैं, अपने सॉल्ट को इम्प्योर से, क्योंकि पहले इम्प्योर था आपने क्या किया, प्योर कर दिया। तो ये एक सेपरेशन टेक्निक भी है, और इसकी ये एप्लीकेशन भी हमने देखी कि सॉल्ट में से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्ट के अंदर सैंड थी, आपने वाटर के अंदर डाल दिया, सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व, सैंड सेपरेट, फिल्टर किया, सैंड अलग हो गई, और फिर क्रिस्टलाइजेशन करके प्योर सॉल्ट को सेपरेट कर लिया। तो ये एक सेपरेशन टेक्निक जो है, जो कि आज हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। अब इसके कुछ प्रोसेसेस हैं कि हम किस स्टेप बाय स्टेप चल के क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं किसी भी चीज की, उन स्टेप्स को हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहली चीज आती है चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट, आपकी बुक में डिटेल में लिखा हुआ है, हम उसको स्टडी कर लेते हैं, चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है, ये सारी पुरानी बातें हैं, सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, नंबर वन इज सॉल्यूट और नंबर टू इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है दैट इज दैट थिंग जो कि डिसॉल्व होती है। अगर मेरे पास पानी और नमक का सॉल्यूशन है तो जो चीज कम क्वांटिटी में मौजूद होगी या जो चीज डिसॉल्व हो रही है, नमक डिसॉल्व हो रहा है तो वो क्या है, सॉल्यूट है। और जो चीज डिसॉल्व कर रही है, क्या चीज नमक को डिसॉल्व कर रही है अपने अंदर, दैट इज वाटर। तो सॉल्वेंट क्या होगा, वॉटर, या फिर हम नॉर्मली ये भी कह लेते हैं कि जो चीज कम क्वांटिटी में डाली जाए दैट इज सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होती है दैट इज सॉल्वेंट। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि जो डिसॉल्व होती है चीज दैट इज सॉल्ट, वो सॉल्यूट है, और जो डिसॉल्व कर रहा है दैट इज सॉल्वेंट। तो आपने जिस चीज को सेपरेट करना है उसको आपने किसी लिक्विड में डालना है क्रिस्टलाइजेशन के लिए, तो उस लिक्विड को हम सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर उसको डिसॉल्व करेगा। तो चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट मींस कि कौन सा सॉल्वेंट आपने सिलेक्ट करना है जो आपकी क्रिस्टलाइजेशन के लिए प्रॉपर हो। उसके लिए हमने कुछ क्वालिटीज डिफाइन कर दी हुई है सॉल्वेंट की, उन क्वालिटीज को हम देखते हैं, और जो सा सॉल्वेंट उन क्वालिटीज पर पूरा उतरता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ सॉल्वेंट फॉर क्रिस्टलाइजेशन। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ख्याल रखनी चाहिए सॉल्वेंट को सिलेक्ट करते वक्त, नंबर ए वो ये है कि इसके अंदर जो सॉल्युबिलिटी है
solubility of the solute. जो solute जिसकी हमने crystallization करनी है, उसकी जो solubility है, वो इस तरीके की हो कि room temperature के ऊपर उसकी solubility जो है, वो लो हो then compared to its boiling point. इसका क्या मतलब है? नॉर्मली ऐसे ही होता है, लेकिन इनके दरमियान बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए. फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सी आपका रूम टेम्परेचर है, मैंने वाटर के अंदर नमक को ऐड किया. सपोज कर रहे हैं हम कि 25 डिग्री सी के ऊपर वो 50 ग्राम डिसॉल्व हो गया इन 100 ml वाटर, ये हम सपोज कर रहे हैं. अब मैं अगर इसी 25 डिग्री सेंटीग्रेड को उठा के वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाऊं 100 डिग्री सी के ऊपर, तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर उसको 50 की बजाय 100 मतलब बहुत ज्यादा उसे करना चाहिए डिसॉल्व अपने अंदर. उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे हाई हो और रूम टेम्परेचर पे कम हो. ऐसा हमने सॉल्वेंट सिलेक्ट करना है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज मौजूद हों आपके रेलेवेंट सॉल्यूट की, उस सॉल्यूट की जिसकी हमने क्रिस्टलाइजेशन करनी है. तो ये पहली चीज है जो हमने देखनी है. दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज ये है कि इट शुड नॉट केमिकल रिएक्शन जो है ना विद सॉल्यूट वो ना हो. आपने अपना सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट डाला तो ये सॉल्यूट जो है इसके अंदर डिसॉल्व होना चाहिए. ये ना हो कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कोई नई चीज बना दें. अगर रिएक्शन हो जाएगा तो ये सॉल्यूट भी जाया हो जाएगा और कोई नई चीज बन जाएगी जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है. हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम उससे क्रिस्टलाइजेशन करें. तो आपका सॉल्यूट इस तरीके का होना चाहिए, ऐसा सॉल्यूट होना चाहिए जो कि केमिकली जो है रिएक्ट ना करे. नंबर थ्री इज कि इट शुड ओनली डिसॉल्व सॉल्यूट नॉट द इम्प्योरिटीज. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. फॉर एग्जांपल आपने जिस चीज को क्रिस्टलाइजेशन करना है, जाहिर सी बात है वो प्योर नहीं होगी. ठीक है, वो प्योर तो नहीं होगा, आपने उसको इम्प्योर से प्योर बनाना है. अभी हमने सॉल्ट और सैंड की बात की. अगर मैं एक ऐसा कंटेनर, ऐसा सॉल्वेंट ले लूं जो सैंड को भी और सॉल्ट को भी डिसॉल्व कर दे, तो क्या क्रिस्टलाइजेशन हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकेगी. क्यों? क्योंकि अब उसने इम्प्योरिटीज को भी डिसॉल्व कर लिया. तो इम्प्योरिटीज अगर डिसॉल्व होंगी तो जब हम इसको पानी को उड़ाएंगे तो ये सैंड भी क्रिस्टलाइज हो जाएगी और सॉल्ट भी क्रिस्टलाइज हो जाएगा. तो इम्प्योरिटीज तो फिर भी मिक्स ही रहेंगी उसके साथ, तो हमारी चीज जो होती है वो सेपरेट नहीं हो सकेगी. तो हमने वो वाला सॉल्वेंट लेना है जिसके ये प्रॉपर्टी हो कि वो इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व नहीं करे, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट को डिसॉल्व करे जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है. नंबर फोर इज कि इसको जब हम ठंडा करें सॉल्यूशन बनाने के बाद, तो वो क्रिस्टल जो होते हैं वो साफ सुथरे और अच्छे क्रिस्टल बना सके. ऐसा सॉल्वेंट ना हो जो क्रिस्टल को बनने में रोके, जो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को ही ना होने दे. ऐसा सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए. वो सॉल्वेंट हो जिसके रिजल्ट में क्रिस्टलाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो और वेल डिपोजिटेड क्रिस्टल जो होते हैं हमारे पास वो बन सके. उसके बाद पांचवी जो सी चीज है वो ये है कि वो सेफ होना चाहिए, सेफ टू यूज. उसके यूज में आसानी होनी चाहिए, मतलब इजीली वो आसानी से यूज हो सके. नंबर फोर इज चीप हो, क्योंकि समटाइम्स हमें क्या करना पड़ता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर क्रिस्टलाइजेशन करनी पड़ती है. उस बड़ी क्वांटिटी की वजह से क्या होता है कि हमारा सॉल्वेंट जो है वो जाया होने का चांस होता है. तो हम जाया होना उसको अफोर्ड तब करेंगे जब वो चीप होगा. अगर हमारा सॉल्वेंट बहुत ज्यादा महंगा है तो फिर हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो आपका चीप होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव हो,
और इजीली रिमूवेबल हो, उसको आग ना लगती हो, तो इस तरह के इन बेसिस के ऊपर हमने क्या करना है, अपना सॉल्वेंट सिलेक्ट करना है कि कौन सा सॉल्वेंट हम लेंगे। समटाइम्स क्या होता है, आपकी बुक में वो मेंशन कर रहा है कुछ सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल वाटर जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ये सारे ऑर्गेनिक है। वाटर के अलावा जितने भी इसने मेंशन किए हुए हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, अल्कोहल होती है, ये सारे जिनसे सॉल्वेंट्स हैं, ये एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं। अब समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है सॉल्वेंट की, जो हमने पढ़ी है अभी, वो कोई भी एक सॉल्वेंट पूरा नहीं कर रहा होता, तो हम क्या करते हैं, फिर हम मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। हम ऐसे दो चार सॉल्वेंट्स को आपस में मिला लेते हैं कि उनको मिलाने से वो वाली प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है या जो हमारी रिक्वायरमेंट है सॉल्वेंट के वाले से वो पूरी हो सके, तो फिर हम मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स जिनसे इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर क्या हो, कोई एक सॉल्वेंट हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर रहा हो। अब आगे ये तो पहला स्टेप था क्रिस्टलाइजेशन का। सेकेंड जो स्टेप है नंबर टू, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने ये किया, आपने अपना जो है सॉल्वेंट सिलेक्ट कर लिया अपनी सारी बेसिस के ऊपर, आपने कहा जी ये सॉल्वेंट हम इस चीज को क्रिस्टलाइज करने के लिए ये वाला सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, आपने उसको उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी आप लोग पढ़ के आए हुए हैं। आप क्या करते हैं, आप एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट की लेते हैं और उसके अंदर अपना सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं, और उस वक्त तक ऐड करते जाते हैं जिस वक्त तक वो फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो जाए। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा आपके सॉल्वेंट में, आपने उस वक्त तक अपने सॉल्यूट को ऐड करते जाना है। पहले आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे डिसॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, अभी हमने बात की है सॉल्युबिलिटी की, 25 डिग्री सी पे कुछ और थी, 100 डिग्री सी पे कुछ और थी, तो पहले आपने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐड करना और जितना हो जाएगा हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको गर्म करना और फिर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, मजीद सॉल्वेंट सॉल्यूट उसके अंदर ऐड होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, और फिर उस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। सैचुरेटेड एक जनरल टर्म है जिसका मतलब है कि जगह ना होना, राइट। आप किसी चीज, किसी होटल में जाएं या किसी कॉलेज में एकेडमी में एडमिशन लेने जाएं, समटाइम्स तो वो कहते हैं जी कि वी आर सैचुरेटेड, हमारे पास मजीद जगह नहीं है, हम एडमिट नहीं कर सकते। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि इसके अंदर फर्दर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो है वो अब ऐड नहीं हो सकती, वो सैचुरेट हो चुका है किससे, सॉल्यूट से। तो ये था दूसरा स्टेप जिसके अंदर आपने क्या करना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है। अब जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, थर्ड वन इज फिल्ट्रेशन। जो आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया है, अब आपने उसको फिल्टर कर लेना है, उसी तरीके से जो फिल्ट्रेशन के टॉपिक में हम पढ़ के आए हैं, आपने उसी तरीके से फ्लास्क से या किसी क्रूसिबल से उसको क्या कर लेना है, उसको फिल्टर कर लेना है, फिल्टर पेपर से, फिल्ट्रेट फिल्टर पेपर से, किसी भी चीज से। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जो आपका सॉल्यूट है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म नहीं होगा, और इस फिल्ट्रेशन के दौरान एक चीज का भी ख्याल रखना है कि इसको फौरन ही आपने फिल्टर कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया था वो 90 डिग्री सी पे था, तो मैंने जैसे ही इसको उतारना है 90 से, मैंने इसको डायरेक्ट क्या करना है, फिल्टर कर देना है। अगर मैं इसको फिल्टर नहीं करूंगा तो उससे क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ी देर रेस्टिंग टाइम दे देता हूँ और ये 90 से ड्रॉप होके सपोज 70 डिग्री सी पे आ गया है, और अगर मैं उस वक्त फिल्टर करता हूँ तो फिर ये फिल्टर पेपर के ऊपर क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो 90 डिग्री सी पे जो इतना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ था, 70 डिग्री सी पे वो सॉल्यूट डिसॉल्व उतना नहीं होगा, जो बाकी का सॉल्यूट होगा वो क्रिस्टल की शक्ल में बाहर आ जाएगा, तो आपने इसको उसी टेम्परेचर पे फिल्टर कर लेना है। ये थोड़ा सा ख्याल रखना है फिल्ट्रेशन के तरफ। फिल्ट्रेशन के बाद अगला जो स्टेप है, दैट इज कूलिंग। अब आपने इसको
ठंडा होने देना है ताकि क्रिस्टल जो होते हैं वो बन जाए। अब कूलिंग भी दो तीन तरीकों से हो सकती है। एक क्या तरीका है कि आप इसको रख दें, ये आराम आराम से ठंडा होता रहे। दूसरा क्या है कि आप उसको उठा के फ्रीजर में रख दें, ये जल्दी ठंडा हो। तो जब भी ये ठंडा होगा क्रिस्टल से बनेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको किस तरीके से ठंडा करना है। अगर आपकी स्लो कूलिंग है, बहुत ज्यादा कूलिंग स्लो आ रही है, तो उस वक्त क्या होगा, आपका जो सा क्रिस्टल का साइज है वो बिगर बनेगा, बिगर क्रिस्टल साइज। अगर आप उसे स्लोली स्लोली कूल करेंगे तो क्रिस्टल का साइज बड़ा होगा। अगर आप रैपिड कूलिंग कर देंगे तेजी से, फॉर एग्जाम्पल उठा के उसको आपने फ्रिज या फ्रीजर में रख दिया है, तो फिर क्या होगा, स्मॉल क्रिस्टल बनेगा, छोटा सा क्रिस्टल बनेगा। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी कूलिंग करनी है कि आपको किस साइज का क्रिस्टल चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मल या मॉडरेट कूलिंग करते हैं, ना बहुत ज्यादा स्लो और ना बहुत ज्यादा फास्ट। उससे क्या होता है, हमें मीडियम साइज क्रिस्टल वो मिल जाता है। तो जिस साइज का क्रिस्टल हमें रिक्वायर्ड हो उस तरह की कूलिंग आपने कर लेनी है। तो आपके पास क्या होगा, डिफरेंट साइज के क्रिस्टल आ जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग के आप उसको किस तरीके से कूल करें। ओके, फिफ्थ स्टेप इज कलेक्टिंग द क्रिस्टल। अब आपने क्रिस्टल जो आपके पास बन चुके हैं, अब आपने उनको कलेक्ट करना है, उनको सेपरेट करना है। आपके पास जो सपोज एक डिश थी जिसके अंदर क्रिस्टल बने हैं, तो क्रिस्टल कुछ इस तरह बनेंगे कि नीचे उसके जो है वो लिक्विड भी थोड़ा सा मौजूद होगा, जिसको आप मदर लिक्विड कहते हैं, और आपके पास उसके अंदर और उसके ऊपर क्रिस्टल जो है सॉलिड फॉर्म में आपको नजर आ रहे होंगे। अब आपने उसको सेपरेट करना है, आपने उसको अलहदा करना है। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी कुछ क्रूसिबल से फिल्ट्रेशन करते हम क्रूसिबल के इस्तेमाल से उसको सेपरेट कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, और साथ में जो है हम यहाँ पे हम उसी तरह अपनी वो क्रूसिबल रख देते हैं, और यहां से आपका ये सॉल्यूशन जो है वो आ जाता है। ये क्या है, ये एक वैक्यूम पंप है। हमने बेसिकली क्रिस्टल्स को सेपरेट करना है और हम चाह रहे हैं कि तमाम का तमाम लिक्विड जो है वो सेपरेट हो जाए। तो जब हम इसमें से इसको पास करेंगे तो ये वैक्यूम पंप है, ये क्या करेगा, ये अंदर वैक्यूम क्रिएट करेगा। वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से बाहर वाली जो एयर है वो इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी अंदर जाने के लिए, और जब प्रेशर अप्लाई करेगी तो ज्यादा सारा लिक्विड जो है वो नीचे आ जाएगा, जो कि क्रिस्टल के अंदर ट्रैप हुआ था। तो हम वैक्यूम पंप को यूज करते हुए फुल सक्शन अप्लाई करते हैं और मैक्सिमम जो है लिक्विड उससे अलहदा कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि ये अगर हमारे पास क्रूसिबल है, तो ये क्रूसिबल के ऊपर हमारे पास ये जहाँ इस जगह पे जो है हमारे पास एक केक की शक्ल में क्रिस्टल केक कलेक्ट हो जाएगा। ये जो क्रिस्टल केक है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, और इस क्रिस्टल को हम थोड़े से प्योर सॉल्वेंट के साथ वॉश भी कर लेते हैं, ताकि जिनसे थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज हैं वो सेपरेट हो जाए। वो ठंडा होता है, इस वजह से क्रिस्टल उसके अंदर डिजोल्व इतना ज्यादा नहीं होता। इस प्रोसेस से क्या होता है कि हमारा जो हर दफा वेपोरेशन के बाद हमारे पास एक फ्रेश क्रॉप आती है, फ्रेश फसल आती है किसकी, क्रिस्टल की, और वो क्रिस्टल जो है वो प्योर होता है। तो एक आम हम कर लेते हैं। अब ये जो क्रिस्टलाइजेशन तो हो गई, क्रिस्टल को आपने क्रिस्टल केक को सेपरेट भी कर लिया, सिक्स स्टेप जो है दैट इज ड्राइंग। इसमें आपने इसको ड्राई करना है, इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा सॉलिड लिक्विड जो है मौजूद होगा, ये वेट है, इसको आपने ड्राई करना है। अब ड्राई करने के लिए आप नॉर्मली क्या करते हैं कि आप इस क्रिस्टल केक को अपने पेपर, क्रिस्टल पेपर के, फिल्टर पेपर के ऊपर आप उसको प्रेस करते हैं। फिल्टर पेपर के अंदर आपने रखा और इसको हाफ फोल्ड प्रेस किया, और जब आप इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि क्रिस्टल में से जो वाटर है
या जो भी सॉल्वेंट है वो आपका क्रिस्टल पेपर फिल्टर पेपर जो है वो सक कर लेगा क्रिस्टल में से, और आपके क्रिस्टल में से वाटर निकलता जाएगा, सॉल्वेंट निकलता जाएगा और वो ड्राई होते जाएंगे। लेकिन जो प्रेसिंग है इसका एक नुकसान है, अगर आप इसको फिल्टर पेपर के अंदर प्रेसिंग करते हैं क्रिस्टल्स की, तो उसका नुकसान क्या है कि एक क्या है वो टूट जाते हैं, ब्रेकेज, वो पाउडर बन जाएगा, क्रिस्टल अपनी शक्ल बरकरार नहीं रख सकेगा, वो बहुत बारीक था पाउडर बन जाएगा। एक तो ये उसमें मसला आ सकता है, और सेकंड वन इज कंटेमिनेशन। हमें पता है कि पेपर के अंदर छोटी छोटी सी फाइबर्स होती है, तो वो हमारी जो प्रोडक्ट है क्रिस्टल्स उनको कंटेमिनेट कर देगा, उसके छोटे छोटे फाइबर जो होते हैं फिल्टर पेपर के फाइबर्स ऑफ फिल्टर पेपर उसके साथ अटैच हो जाएंगे हमारे क्रिस्टल के साथ, और कंटेमिनेशन हो जाएगी, हमें प्योर जो सी चीज है वो नहीं मिल सकेगी, इम्प्योरिटी आ जाएगी। इस वजह से हम लेबोरेटरी लेवल के ऊपर तो ड्राइंग कर लेते हैं, जब हमने सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को स्टडी करना हो, हमारे लिए क्रिस्टल जो है उसको कलेक्ट करना या उसको फर्दर इस्तेमाल करना रिक्वायर्ड ना हो, तब तो हम ड्राई करने के लिए फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बाद में जाया ही कर देना है। इसलिए अगर वो कंटेमिनेट हो भी जाए या ब्रेक हो भी जाए तो हमारा उससे काम पे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हमने अपना जो क्रिस्टल है उसको मार्केट में भेजना हो, फॉर एग्जांपल चीनी हम तक आती है, और अगर आप चीनी लेने जाते हैं उसका साइज बहुत बड़ा होता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, या अगर हमें पाउडर फॉर्म में चीनी मिले तो भी हमें वो नहीं चाहिए होती है, तो एक खास रिक्वायरमेंट होती है। जब इंडस्ट्री लेवल पे या बड़े लेवल पे हम बात करते हैं तो फिर हम फिल्टर पेपर से उसको ड्राई नहीं कर सकते, फिर हम ड्राइंग की कोई और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और वो टेक्निक क्या है, नॉर्मली हम ओवन यूज कर लेते हैं। ओवन के अंदर हम अपने क्रिस्टल्स को स्प्रेड करके रख देते हैं और खास टेम्परेचर उसको देते हैं, और उस टेम्परेचर के एंड पे क्या होता है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो सेपरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और पीछे आपके पास ड्राई क्रिस्टल जो है वो बच जाते हैं। तो एक तरीका है, सबसे पहला तरीका था प्रेसिंग इन फिल्टर पेपर, सेकेंड वन इज ओवन, एंड थर्ड वन इज वैक्यूम डेविकेटर। ये जो वैक्यूम डेविकेटर है ये एक प्योर मतलब बड़ा सेफ किस्म का तरीका है जिसमें हम क्रिस्टल्स को ड्राई करते हैं। इसमें हम करते क्या है कि क्रिस्टल्स को हम सेपरेट कर देते हैं वॉच ग्लास के ऊपर, ये आपकी जिनकी वॉच ग्लास है, इसके ऊपर आपने क्रिस्टल केक जो था आपका उसको सेपरेट कर दिया और इसको उठा के रख दिया इसके अंदर वैक्यूम डेविकेटर के अंदर। वैक्यूम डेडिकेटर के अंदर क्या होता है कि हम कुछ केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल्स जिनकी प्रॉपर्टी हो कि वो वाटर को या सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करें अपने अंदर। आप लोगों को अगर याद हो तो मैट्रिक में हमने H2SO4 की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि H2SO4 इज हाइग्रोस्कोपिक, ये क्या करता है, ये वाटर को अपने अंदर एड कर लेता है। इसी तरह हम जब वैक्यूम डेडिकेटर के अंदर जो जिनसे हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड, वो आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं, एक है CaCl2, फिर उसमें सिलिका जेल भी लिखी हुई है। अब ये सिलिका जेल अगर आपने नाम सुना हो, ये हमारी एक भी आपने देखा वो सीरप्स या जो मेडिसिन होती हैं उसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया के अंदर ये छोटे छोटे दाने से मौजूद होते हैं, दैट इज सिलिका जेल। और वो क्यों डाली होती है उसके अंदर, क्योंकि अगर आपकी वो मेडिसिन मॉइस्चर वाली जगह पे पड़ी हो तो मॉइस्चर को क्या करे, ये एब्जॉर्ब कर ले, और मॉइस्चर आपकी मेडिसिन में ना जाए, मेडिसिन जो है वो खराब ना हो। तो सिलिका जेल क्या है, ड्राइंग एजेंट है, इर्द गिर्द के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कभी हम वैक्यूम डेडिकेटर के अंदर ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं और ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है वैक्यूम डेडिकेटर फॉर ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल। इसके थोड़ी देर के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं, वैक्यूम मौजूद होता है और ये सारा का सारा सॉल्वेंट जो है जो उसके अंदर छुपा होता है क्रिस्टल के अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है, किस अपने इन कंपाउंड्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे पास क्रिस्टल्स ड्राई हो जाता है। अब ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। यहाँ क्रिस्टलाइजेशन में सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपनी चॉइस का सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट जब हमने सिलेक्ट कर लिया फिर हमने उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार किया। जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया फिर हमने उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद
हमने उसकी कूलिंग की ताकि वो ठंडा हो और क्रिस्टल बन जाए। ये जो टेम्परेचर फेज है कूलिंग वाला, इसके अंदर क्रिस्टल जो होता है वो बनेगा। कूलिंग के बाद जब क्रिस्टल बन गया तो हमने उसकी फिर से फिल्ट्रेशन की फॉर कलेक्शन, ताकि हम क्या करें, फिल्टर को, फिल्टर किए हुए क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लें। अब जब कलेक्ट कर लिए हमने, तो उसके बाद फिर हमने उसकी ड्राइंग की कि वो खुश्क हो जाए और हमारे इस्तेमाल में आ सके। ड्राइंग में हमने क्या किया, सॉल्वेंट जो है रिमूव किया। सॉल्वेंट रिमूवल में ड्राइंग हो गई और उसके बाद आपके पास क्रिस्टल्स जो है वो प्योर फॉर्म में कलेक्ट हो गए। ये सारे डिफरेंट स्टेप्स से क्रिस्टलाइजेशन और सेपरेशन टेक्निक। आपकी बुक में एक सेवन स्टेप फर्दर ऐड किया गया है, दैट इज डीकलराइजेशन। अब ये क्या होता है, नॉर्मली जो क्रिस्टल का कलर है, अगर तो आपकी क्रिस्टलाइजेशन के दौरान या उसके अंदर कोई ऐसी इंप्योरिटीज मौजूद थी या सॉल्वेंट की वजह से या किसी भी वजह से आपका जो सोल्यूट है जो वापस क्रिस्टलाइज हुआ है उसका कलर जो है वो प्योर नहीं रहा, वो चेंज हो गया है किसी वजह से, तो हमें कोई ऐसी चीज ऐड करनी पड़ती है जो कि उसको क्या करे, उसको सेपरेट कर दे, उसके कलर को डी कलर कर दे। रिक्वायर कलर जो होता है वो हमें चाहिए होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक कंपाउंड ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमल चारकोल। कार्बन होती है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कलर्ड इंप्योरिटीज को अपने साथ एड्सॉर्ब कर देता है, अपने अंदर अपने साथ अटैच कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। एड्सॉर्प्शन ऑफ कलर्ड इंप्योरिटीज। ये जो कलर्ड इंप्योरिटीज हैं, ये एनिमल चारकोल अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा और आपके पास जो है डी कलर्ड क्रिस्टल बन जाएगा। आपकी जो कलराइजेशन हो गई थी किसी वजह से, वो रिमूव करने का तरीका आपके बुक में बताया गया है, वो उसके इसमें है। अगर क्रिस्टल आपका कलर्ड है, कलर्ड क्रिस्टल, अगर आपका क्रिस्टल कलर्ड नहीं है तो क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगी इस प्रोसेस तक। लेकिन अगर वो कोई कलर्ड क्रिस्टल है तो उसके कलराइजेशन को खत्म करने के लिए हम एक ऐसा डीकलराइजर डाल देते हैं, एनिमल चारकोल पाउडर्ड फॉर्म में, पाउडर्ड। वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी डीकलराइजेशन हो जाती है, और उसके बाद आप उसको उसी तरह फिल्टर करके तो ठंडा कर लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था क्रिस्टलाइजेशन का, जिसमें हमने सारी डिटेल देखी कि किस तरीके से हम जो है क्रिस्टल को बनाते। नेक्स्ट टाइम हम सब्लिमेशन स्टडी करेंगे, तो क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड ये सारा टॉपिक था और इसको मैंने समराइज भी कर दिया।